प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथ वर्कशीट नंबर 54, समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुणों में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप देखोगे कि एक चतुर्भुज की बात करें तो वो छह प्रकार के होते हैं। एक को हम वर्ग कहते हैं, एक आयत, एक समलंब, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक काइट पतंग। उसमें से हम ऐसे चतुर्भुज की बात करते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हों। तो यहाँ हम उस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया और यह भी जाना कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर एक आपकी वर्कशीट में दिखाई गई है। उसमें कहा गया, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। दी गई आकृति को देखिए, यहाँ ए बी और सी डी बराबर हैं और ए बी सी डी के समांतर भी है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय नंबर दो में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रक्षेप करते हैं। अतः ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी होंगे। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है यदि, अब विलोम क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब आपके पास एक उदाहरण दिया गया है कि दी गई आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रम से सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रच्छेद करे और बी क्यू सी पी को आर पर प्रच्छेद करे तो दर्शाइए कि ए बी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब आपको तीन भागों को प्रूफ करना है, दर्शाना है कि वो आपस में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए ये गुण याद रखना जरूरी है कि उसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर और समांतर होनी चाहिए। तो पहले भाग के लिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू में देखोगे तो ए पी जो है वो क्यू सी के समांतर है, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है तो उसके भाग भी उसके समांतर होंगे। और ए पी ए बी का हाफ है और सी क्यू सी डी का हाफ है तो वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी इक्वल टू सी डी था तो ए बी का आधा और सी डी का आधा भी ए पी बराबर सी क्यू होगा। और ये किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और यदि सम्मुख भुजा बराबर हैं और वो समांतर भी हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः हम कहेंगे, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार यदि डी पी बी क्यू को भी आप दर्शाना चाहो तो उसमें आप बता सकते हो कि डी क्यू समांतर है बी पी के और डी क्यू बराबर है पी बी के, तो ये भी एक चतुर्भुज हो जाएगा। नंबर तीन को भी देखना चाहो तो उसमें क्या है, पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू पी एस क्यू आर भी समांतर चतुर्भुज है। यदि ऊपर के दोनों रिजल्ट यदि आपने दर्शा दिए कि वो आपस में समांतर चतुर्भुज हैं तो पी एस क्यू आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि यदि आप देखना चाहें तो ये वर्कशीट को एक बार हम दिखा देते हैं कि वर्कशीट में आपके पास है क्या। वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं या चतुर्भुज के गुण के बारे में जो बताया गया है उसको आप एक बार देख सकते हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा ये आपके एक वर्कशीट जो आपको दिखाई गई, उसके उदाहरण दिए गए और अब आपके पास जो है क्वेश्चन आप ले सकते हो। इसमें क्वेश्चनों को जब करोगे आप तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर हो, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है।
तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में आप दिखा दें कि आपके पास ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें कहा है कि AC और BD दोनों बराबर हैं। तो यहां दिया क्या है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की ये तो हमें विशेषता मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है। अब उसे एक विशेषता और दे दी कि इसमें जो विकर्ण है AC वो BD के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। अब आयत दिखाने के लिए जरूरी है कि उसके शीर्ष कोण 90 डिग्री के हों, विकर्ण बराबर हो और शीर्ष कोण भी 90 डिग्री हो। तो आप 90 डिग्री दिखाना चाहें या इसमें विकर्ण हमें दे दिए गए कि विकर्ण बराबर हैं, तो आप क्या दिखाना चाहेंगे, इसमें आप इसको सिद्ध करना चाहेंगे, प्रूफ करना चाहेंगे। तो त्रिभुज DAB ले लो, D या ADB ले लो, ADB, और BCA ले लो, इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम है कि AD जो भुजा है वो BC के बराबर है। आपको दिया गया है कि AC BD के बराबर है, ये दिया है, ये भी दिया है, और आप ए बी को ले लेंगे दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ। ये दिया क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अब यहां क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी ए से, और ये किस नियम से होगा, आप देखेंगे कि ये एक भुजा, एक ये और एक ये विकर्ण, तो यहां हमने तीनों साइड को प्रयोग करके ये बता दिया कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है तो इसके जो शेष भाग होंगे वो बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं डी ए बी बराबर सी ए बी कौन सी बी ए बाय सी पी सी डी। अब यहां हमें मालूम है कि यदि आपके पास किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 होता है, लेकिन अब यहां हम लेंगे कौन डी ए बी प्लस कोण सी बी ए, इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों होगा, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की के क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसके क्रमागत कोण ए और बी पर हो जाएंगे, तो इन दोनों का कोण 180 होता है। अब यहां दोनों बराबर भी हैं, तो यहां लिख सकते हो डी ए बी प्लस कौन डी ए बी बराबर 180 डिग्री, या 2 डी ए बी बराबर 180 डिग्री। तो कौन डी ए बी जो होगा वो 180/2 बराबर 90 डिग्री होगा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो आखिर में क्या कहेंगे कि हमें प्रॉपर्टी, हमें कुछ गुण मालूम थे आयत के, कि आयत के जो सम्मुख शीर्ष कोण होता है वो 90 डिग्री के होता है। तो हमने दिखा दिया कि 90 डिग्री है, तो यहां हम लिख देंगे कि इस चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा। इस तरह से आप दिखा देंगे।
अब आपके पास ये सिद्ध हमने कर दिया कि ये एक आयत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू है। अब उसमें दर्शाइए, सिद्ध करना है, मतलब ये हमें आकृति दी गई ए बी सी डी, उसमें विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू दे दिए गए और इसमें कहा गया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ यहाँ पी और क्यू दो बिंदु विकर्ण पर होगा। अब सिद्ध करना है आपको, पहला पार्ट है कि त्रिभुज ए पी डी त्रिभुज सी क्यू बी के सर्वांग सम में है, ए पी सी क्यू के बराबर है, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सी पी डी है, ए क्यू बराबर सी पी है और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको पांच पार्ट दिखाने हैं, पांच पार्ट को सिद्ध करना है कि वो आपस में सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला पार्ट आपके पास त्रिभुज ए पी डी, ए पी डी आप इसको देखेंगे, ये ए पी और डी ये त्रिभुज यहाँ बी या सी क्यू बी आप इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। तो यदि हम इसको हल करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज दिखाने हैं, ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में ये हमें दोनों त्रिभुज देने हैं और देखते हैं इनको कैसे हम सिद्ध करें कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। अब सर्वांग सम त्रिभुज के लिए क्या जरूरी है कि उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो भाग हैं, वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले ए पी डी में, ए पी डी में यहां में दिया हुआ है कि ये ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। उसके साथ हमें एक और काम दे रखा है कि यहां बी डी डी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। अब एक और पार्ट हम देखें जिसमें हमें पता चल जाए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो आप देखेंगे कि ये कौन और ये आपस में बराबर है। क्यों है, क्योंकि ए डी बी सी ये जेड शेप बन रही है। अब जेड शेप जब कहाँ बनती है तो वो एक सर, और एक का अंतर कौन कहलाता है, तो हम दिखा देंगे है कौन, ए डी पी बराबर है डी बी सी दिखा सकते हो, सी बी क्यू दिखा सकते हो। इसको डी ए डी पी दिखा दिया आपने और यहाँ सी बी क्यू दिखा दो, कौन सी बी क्यू और ये एक अंतर कौन है, एक अंतर कौन बराबर होता है। तो यहां हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपके पास, जो त्रिभुज था ए पी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, और ये रूल हमने क्या अप्लाई किया, इसको लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। अब कौन सा पार्ट देंगे, हमें आगे बताया गया ए पी को बताओ कि वो सी क्यू के बराबर है, यस होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके भाग भी बराबर होंगे। तो यहां लिख देंगे कि ए पी बराबर सी क्यू हो गया और इसका लिखेंगे रीजन सी पी सी टी, कंसेप्ट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस तरह से आप इसको, ये पार्ट हमने दो पार्ट दिखा दिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए दिखाएंगे त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी क्यू बी में देखो इसमें क्या क्या भाग हमारे पास देखेंगे, ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज दिखाएंगे, ए क्यू बी और दूसरा त्रिभुज है सी
ए क्यू बी, और दूसरा आपका हो गया सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी। अब सी पी डी को देखो तो ये आपका मालूम है कि ए बी बराबर सी पी है, सी डी, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख बहुत भुजा जो बराबर होती हैं, और ये हम कह सकते हैं कि हमें दिया गया है। दूसरा एक पार्ट और दे रखा है, डी पी बराबर बी क्यू है, डी पी बराबर बी क्यू, ये भी दिया हुआ है। और तीसरे भाग को हम ले लें कि ये कोण आपस में जो होगा वो भी बराबर होगा, हम इसको मार्क कर देते हैं ये इस तरह से कि ए बी क्यू और सी डी पी दोनों कोण बराबर होंगे। कहेंगे कौन ए बी क्यू, ए बी क्यू बराबर होगा डी सी पी के, सॉरी सी डी पी के, सी डी पी के, और ये कौन कौन सा है, एक अंतर कोण है। एकांतर कोण जो होते हैं वो फिर बराबर होता है जेड से बनना, देखो यहां देख सकते हो, यदि आप इसको देखोगे तो ये ऐसे जेड से बनना। अब यहां आप ये देखोगे जब ये कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज कौन कौन सर्वांग सम होंगे, जो आप देख रहे हो ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के बाय साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से। और इसमें फिर दिखा देंगे कि यहां आपके पास ए क्यू जो भाग है ये ए क्यू किसके बराबर होगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी के, और इसका कारण क्या होगा, सी पी सी टी, संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। और एक आखिरी भाग ये बच गया कि यदि आपने यहां दिखाया एक भाग, ये दिखाया दूसरा भाग, अब इन दोनों से पता चल गया हमें कि यहां देखो ए पी सी पी के बराबर है, ए पी सी क्यू के बराबर हो गया और ए क्यू सी पी के बराबर हो गया, तो ये ए क्यू सी पी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब यहां कहेंगे समीकरण एक व दो से, एक और दो से, हम एक और दो से देखेंगे, समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता है कि यदि उसके सम्मुख भुजाएं आपस में दोनों जोड़े दोनों योग बराबर हों तो भी वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो गई तो कहेंगे ए क्यू या ए पी कह सकते हो, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमारे पास यदि ये सिद्ध करने के लिए मिल जाए कि हमारे पास संगत भुजाएं जो आपस में बराबर हैं और कोई भी आकृति है उसके आमने सामने की भुजा दोनों ही चारों भुजा में दोनों युग्म में बराबर हैं तो वो दोनों सम्मुख भुजाओं के आधार पर हम कहेंगे कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस तरह से जैसा कि आकृति में बनाया गया है, कि ए कहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डीई, ए बी समांतर डीई, बी सी बराबर ईएफ, बी सी समांतर ईएफ, और शीर्ष ओ ए बी और सी को क्रम से शीर्ष डीई और एफ से जोड़ा जाता है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया कि ए को डी से जोड़ दिया, बी सी को एफ से जोड़ दिया और बी को एफ से जोड़ दिया। तो ये कुछ चतुर्भुज बने और उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से चतुर्भुज आपस में बनते हैं। तो यहां सबसे पहले उसको सिद्ध करने के लिए कहा गया कि दर्शाइए दिखाइए सिद्ध करिए कि चतुर्भुज ए बी डी, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर दूसरा कहा है कि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, और यदि ये चतुर्भुज हैं तो फिर ए डी समांतर होगा सी एफ के और ए डी बराबर हो जाएगा सी एफ के। उसके बाद चतुर्भुज ए सी एफ डी भी एक समांतर चतुर्भुज है, और यदि समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके संगत भाग संगत भुजाएं बराबर होंगी। और फिर अंत में कहा गया है भाग सिक्स
त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के साथ सर्वांग सम है। तो ये एक एक पार्ट हम लेकर के इनको समझाते हैं कि ये चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ। तो ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज कैसे होगा उसको समझाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये सबसे पहले पार्ट हम कैसे दिखाएं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर कि ये ए बी सबसे पहले मैं कहा गया ए बी डी ई के बराबर है और वो समांतर भी है। तो इसी सूचना के आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ यदि इसको प्रूफ करेंगे हम कि यदि हमारे पास एक चतुर्भुज में चतुर्भुज ए बी ई डी में हमारे पास एक भुजा उसकी समांतर और बराबर हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें कहा गया है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है डी ई के बराबर है और ये भी कहा गया है कि ये ए बी समांतर डी ई है। तो हमने पढ़ा था कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक योग बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और ये क्यों होगा? सिर्फ सिंपल सी बात है कि यदि हमें ये मालूम है कि इस चतुर्भुज के ए बी भुजा डीई के समांतर और बराबर भी है तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब दूसरा कहा गया कि चतुर्भुज बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहां देखेंगे कि चतुर्भुज बीई एफ सी में देखो कि कुछ सूचना मालूम है हमारे पास। बी ई एफ सी में देखोगे कि बीई कहां पर है, बीई आपका जो है वो ये हो गया और फिर क्या एफ सी, तो एफ सी ये हो गई तो क्या ये भी समांतर होगी। तो हमें सूचना दे रखी है कि यहां पर बी सी बी के बराबर है ई एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के समांतर भी है। तो हमें लिखा दिया हुआ है कि बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर है ई एफ के, ये दिया हुआ है हमें। और जब दिया हुआ है किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसलिए कहेंगे चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब यदि समांतर चतुर्भुज है तो उसकी संगत जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होती हैं। हमें ये कह दिया था बी सी समांतर बी के और बराबर भी है। तो यहां हम कह सकते हैं कि बी ई समांतर और बराबर है सी एफ के। पहले जट में आप ए बी ई डी में बता सकते थे कि ये ए डी और बी ई बराबर और समांतर है। तो यहां से आप देखोगे फर्स्ट से तो यहां पहले उससे लिखोगे चतुर्भुज में तो यहां हमें मालूम हो जाएगा कि ए डी बराबर है बी ई के और बी ए डी समांतर भी होगा बी ई के। और दूसरी जगह में क्या हमें पता चला, इसी जगह में पता चला कि बी ई बराबर है सी एफ के और बीई समांतर भी है सी एफ के। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला, इन दोनों रिजल्ट से पता चला देखो बीई यहाँ दोनों में है तो यहाँ ए डी जो होगा ए डी सी एफ के भी बराबर होगा और ए डी सी एफ के समांतर भी होगा। और यदि ये बराबर और समांतर है तो ये भी एक चतुर्भुज जो बना वो भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ए डी हमने दिखा दिया कि ए डी सी एफ के समांतर और बराबर है तो फिर हम कहेंगे ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगा।
उसके बाद कहा गया कि एसी डीएफ के बराबर है, तो एसी कहां पर है देखो, एसी सीएफ डीएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो भाग होंगे या दूसरी भुजा जो होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी, तो एसी बराबर डीएफ होगा। और एसी जो होगा वो डीएफ के समांतर भी होगा। अब जब ये दो रिजल्ट तो हमारे पास दिए हुए थे और तीसरा रिजल्ट हमने ये प्रूफ कर दिया, तो इन दोनों त्रिभुजों में पता चला, त्रिभुज देखेंगे अब, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देखो, हमें पहले से ही दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, दूसरे पार्ट भी दिया है कि बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, और तीसरा हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो इन तीनों के बेस पर हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और ये किस बेस पर होगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये आपका छठा भाग भी पूरा हुआ, और इस तरह से आपके ये वर्कशीट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।